नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी पर करोड़ों साल पहले कैसी दुनिया थी? उस समय के जीवों में डायनासोर्स भी थे, जो हमारे लिए आज भी रहस्यमय हैं। यहाँ हम आपको ले जाने वाले हैं करोड़ों साल पहले का 10 सबसे खतरनाक डायनासोर के बारे में। ये वीडियो हमें उन डायनासोर्स के बारे में बताएगा जो सचमुच में दुनिया के शानदार इतिहास का हिस्सा थे। हम आपको दिखाएंगे उनकी शक्ति, उनकी भयानकता और उनकी अद्भुतता के परिचय में। इस यात्रा में हमें मिलेगा टाइम मशीन का अनुभव, जहां हम देखेंगे कि कैसे वे अपनी जीवन शैली में सबसे शक्तिशाली थे। तो बिना देर कीजिए, आइए इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां आपको हर रोचक और अद्भुत जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर एक, डिलोफोसोरस। डिलोफोसोरस लगभग 201 से 190 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभिक जुरासिक काल के दौरान रहता था। यह एक मध्यम आकार का मांसाहारी डायनासोर था, जिसकी लंबाई 20 फीट तक थी। डिलोफोसोरस के सिर पर जुड़वां शिखाओं की एक अनूठी विशेषता थी, जिसका उपयोग प्रदर्शन या प्रजातियों की पहचान के लिए किया गया होगा। इसके नुकीले दांत और पंजे थे, जिससे पता चलता है कि यह एक सक्रिय शिकारी था। ऐसा माना जाता है कि डिलोफोसोरस का विलुप्त होना प्रारंभिक जुरासिक काल के दौरान पारिस्थितिक परिवर्तनों और अन्य मांसाहारी डायनासोरों के साथ प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हुआ और नई प्रजातियां उभरी, डिलोफोसोरस को संभवतः चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसने इसके विलुप्त होने में योगदान दिया। नंबर दो, एंकिलोसोरस। एंकिलोसोरस। एंकिलोसोरस लगभग 68 से 66 मिलियन वर्ष पहले अंतिम क्रिटेशियस अवधि के दौरान रहता था। यह एक भारी बख्तरबंद शाकाहारी डायनासोर था, जो अपनी मोटी हड्डी की प्लेटों और बड़ी पूंछ क्लब के लिए जाना जाता था। एंकिलोसोरस का शरीर नीचे झुका हुआ और चौड़ा मजबूत निर्माण था, जो इसे शिकारियों के खिलाफ उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदान करता था। ऐसा माना जाता है कि उसने हमलावरों से बचने के लिए अपने टेल क्लब का इस्तेमाल किया था। अन्य गैर एवियन डायनासोरों की तरह एंकिलोसोरस के विलुप्त होने का श्रेय केपीजी विलुप्त होने की घटना को दिया जाता है। क्षुद्र ग्रह प्रभाव के कारण पर्यावरण में विनाशकारी परिवर्तन, जिसमें आवासों का विनाश और खाद्य श्रृंखलाओं का विघटन शामिल है, ने संभवतः एंकिलोसोरस के विलुप्त होने में योगदान दिया। नंबर तीन, स्पिनोसोरस। एजिपियक्स। एजिपियक्स स्पिनोसोरस की एक प्रजाति थी, जो लगभग 112 से 93 मिलियन वर्ष पहले क्रिटेशियस अवधि के दौरान रहती थी। अपने करीबी रिश्तेदार की तरह इसकी पीठ पर एक बड़ी पाल जैसी संरचना थी। हालांकि स्पिनोसोरस एजिपियक्स और भी बड़ा था। अनुमान के मुताबिक इसकी लंबाई 50 फीट तक और वजन लगभग 20 टन था। इसमें शंखवाकार दांतों से भरा एक लंबा संकीर्ण थूथन था, जो मछली खाने वाले आहार का संकेत देता था। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इसने अन्य डायनासोरों का भी शिकार किया था। स्पिनोसोरस एजिपियक्स का विलुप्त होना संभवतः केपीजी विलुप्त होने की घटना से जुड़ा है। क्षुद्र ग्रह प्रभाव के कारण होने वाले वैश्विक व्यवधान और परिणामी पारिस्थितिक परिवर्तनों ने शिकार की उपलब्धता और इसके पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को प्रभावित किया होगा, जिससे यह विलुप्त हो गया। नंबर चार, गिगनोटोसोरस। गिगनोटोसोरस लगभग 99 से 97 मिलियन वर्ष पहले अंतिम क्रिटेशियस काल के दौरान रहते थे। ये सबसे बड़े ज्ञात मांसाहारी डायनासोरों में से एक था, जो टी रेक्स के आकार का प्रतिद्वंद्वी था। गिग्नोटोसोरस की लंबाई 43 फीट तक हो सकती है और इसका वजन लगभग 8 से 9 टन तक हो सकता है। इसकी लंबी संकीर्ण खोपड़ी, नुकीले दांत और शक्तिशाली दंश था। गिग्नोटोसोरस अपने पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख शिकारी था, जो संभवतः बड़े शाकाहारी डायनासोरों को खाता था। माना जाता है कि गिग्नोटोसोरस का विलुप्त होना केपीजी विलुप्त होने की घटना से जुड़ा हुआ है। जीपीजी का मतलब है जुरासिक, क्रिटेशियस और पैलियोजेन। यह तीन युग हैं जिनमें डायनासोर्स की जीवन शैली का विकास हुआ। क्षुद्र ग्रह के प्रभाव और उसके बाद जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र में हुए परिवर्तनों के कारण हुए पर्यावरणीय व्यवधानों ने गिग्नोटोसोरस को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया होगा और इसके विलुप्त होने में योगदान दिया होगा। नंबर पांच, यूटाहैप्टर। यूटाहैप्टर लगभग 126 से 125 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभिक क्रिटेशियस काल के दौरान रहता था। यह वेलोसिरैप्टर का एक बड़ा रिश्तेदार था। अनुमान के मुताबिक यह 20 फीट तक की लंबाई तक पहुंच सकता है और इसका वजन लगभग 1000 पाउंड हो सकता है। यूटाहैप्टर के पिछले पैरों पर नुकीले घुमावदार पंजे थे, जिनका इस्तेमाल वह संभवतः अपने शिकार को काटने के लिए करता था। ऐसा माना जाता है कि यह एक तेज और फुर्तीला शिकारी था, जो झुंड में शिकार करता था और बड़े शाकाहारी डायनासोरों को मार गिराता था। ऐसा माना जाता है कि यूटाहैप्टर का विलुप्त होना प्रारंभिक क्रिटेशियस अवधि के दौरान पारिस्थितिक परिवर्तनों और प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ है।
इसके विलुप्त होने की सटीक परिस्थितियां अनिश्चित बनी हुई हैं, लेकिन संभवतः इसे बदलते पारिस्थितिकी तंत्र और अन्य शिकारी डायनासोरों के उद्भव से चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। नंबर 6, कार्नोटॉरस। कार्नोटॉरस लगभग 72 से 69 मिलियन वर्ष पहले अंतिम क्रिटेशियस काल के दौरान रहते थे। यह एक अनोखा डायनासोर था जो अपनी विशिष्ट उपस्थिति और विशेष अनुकूलन के लिए जाना जाता था। कार्नोटॉरस की खोपड़ी गहरी लंबी थी और उसकी आंखों के ऊपर आगे की ओर सींग थे। इसमें एक मजबूत शरीर, मांसल अंग और दो उंगलियों वाले हाथों के साथ छोटे शक्तिशाली अग्रपाद भी थे। बैल जैसी दिखने के कारण कार्नोटॉरस नाम का अर्थ मांस खाने वाला बैल है। यह एक तेज शिकारी था जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए तेज गति से दौड़ने में सक्षम था। कई अन्य डायनासोरों की तरह कार्नोटॉरस के विलुप्त होने का श्रेय केपीजी विलुप्त होने की घटना को दिया जाता है। क्षुद्र ग्रह प्रभाव के कारण होने वाले वैश्विक पर्यावरणीय व्यवधानों के साथ साथ जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र में परिणामी परिवर्तनों ने संभवतः कार्नोटॉरस और अन्य डायनासोर प्रजातियों के विनाश में योगदान दिया। नंबर 7, एलोसॉरस। एलोसॉरस लगभग 155 से 145 मिलियन वर्ष पहले जुरासिक काल के अंत में रहते थे। यह एक बड़ा मांसाहारी डायनासोर था जो अपने विशाल आकार और शिकार क्षमताओं के लिए जाना जाता था। एलोसॉरस की लंबाई 40 फीट तक हो सकती है और इसका वजन लगभग 2 से 4 टन होता है। उसके पास एक मजबूत निर्माण, शक्तिशाली जबड़े और तेज दांत थे। एलोसॉरस संभवतः विभिन्न प्रकार के शिकार का शिकार करता था जिसमें शाकाहारी डायनासोर भी शामिल थे। माना जाता है कि एलोसॉरस का विलुप्त होना जुरासिक क्रिटेशियस संक्रमण के दौरान हुआ था। हालांकि इसके विलुप्त होने का सटीक कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह पर्यावरणीय परिवर्तनों और अन्य मांसाहारी डायनासोरों के साथ प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ है जो प्रारंभिक क्रिटेशियस अवधि के दौरान उभरे थे। नंबर 8, स्टेगोसॉरस। छोटे सिर, नुकीले लंबे शरीर और पूंछ की विशेषता वाले स्टेगोसॉरस पौधे खाने वाले डायनासोर थे जो 159 से 144 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर रहते थे। इसकी शक्ल से कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि यह डायनासोर अपनी नुकीली पूंछ का उपयोग करके आसानी से एलोसॉरस को कुचल देगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अपने छोटे सिर के आकार के कारण स्टेगोसॉरस का मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर पाता था। इसके अलावा इन डायनासोरों के पिछले पैर लंबे और अगले पैर छोटे थे। उनका सिर नीचे की ओर होता था जिससे उन्हें झाड़ियां खाने में मदद मिलती थी और कांटों से युक्त उनकी पूंछ हवा में ऊंची रहती थी। उनके शरीर पर स्पाइक्स थर्मोस्टेसिस को नियंत्रित करते थे जबकि स्पाइक्स से युक्त इसकी पूंछ का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता था। नंबर 9, वेलोसिरैप्टर। वेलोसिरैप्टर। वेलोसिरैप्टर एक और खतरनाक डायनासोर है जो लगभग 75 से 71 मिलियन वर्ष पहले क्रिटेशियस अवधि के दौरान रहता था। लोकप्रिय मीडिया में इसके चित्रण के विपरीत वेलोसिरैप्टर अपने सिनेमाई चित्रण से काफी छोटा था। यह लगभग 6 फीट लंबा था और इसका वजन लगभग 15 से 33 पाउंड था। हालांकि वेलोसिरैप्टर के आकार में जो कमी थी उसने अपनी बुद्धिमत्ता, चपलता और दुर्जेय शिकार क्षमताओं से उसे पूरा कर दिया। वेलोसिरैप्टर का शरीर पतला, नुकीले दांत और प्रत्येक पैर पर एक विशिष्ट दरांती के आकार का पंजा था जिसका उपयोग वह संभवतः अपने शिकार पर काटने के लिए करता था। ऐसा माना जाता है कि यह एक सक्रिय शिकारी था, संभवतः बड़े डायनासोरों को खत्म करने के लिए झुंड में शिकार करता था। टी रेक्स की तरह वेलोसिरैप्टर का अंत केपीजी विलुप्त होने की घटना के दौरान हुआ। क्षुद्र ग्रह प्रभाव और उसके परिणाम के कारण हुई पर्यावरणीय उथल पुथल, जैसे कि जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन, भोजन की उपलब्धता में कमी और पारिस्थितिक तंत्र के व्यापक विनाश ने वेलोसिरैप्टर और कई अन्य प्रजातियों के विलुप्त होने में योगदान दिया। नंबर 10, टायरानोसॉरस रेक्स। टायरानोसॉरस रेक्स पृथ्वी पर घूमने वाले सबसे प्रसिद्ध और खतरनाक डायनासोरों में से एक है। यह लगभग 68 से 66 मिलियन वर्ष पहले अंतिम क्रिटेशियस काल के दौरान रहता था। रेक्स शक्तिशाली शरीर, बड़ी खोपड़ी और नुकीले दांतेदार दांतों वाला एक विशाल मांसाहारी डायनासोर था। इसकी लंबाई 40 फीट तक और वजन 9 टन तक हो सकता है। अपने अविश्वसनीय आकार, ताकत और हड्डी को कुचलने में सक्षम काटने की शक्ति के साथ टी रेक्स अपने समय का शीर्ष शिकारी था। सभी गैर एवियन डायनासोरों के साथ टी रेक्स का विलुप्त होना क्रिटेशियस अवधि के अंत में हुआ। बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की यह घटना को व्यापक रूप से कारकों के संयोजन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। प्रमुख सिद्धांत से पता चलता है कि एक बड़ा क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु प्रभाव, जिसे चिक्सुलब प्रभाव के रूप में जाना जाता है, मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में हुआ था। इस प्रभाव के कारण बड़े पैमाने पर तबाही हुई जिसमें वायुमंडल में भारी मात्रा में धूल
और गैसों का उत्सर्जन भी शामिल था। इससे एक वैश्विक तबाही हुई जिसमें गंभीर जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली सूर्य की रोशनी कम हो गई और व्यापक पारिस्थितिक व्यवधान हुआ। ज्वालामुखीय गतिविधि और समुद्र स्तर में परिवर्तन जैसे अन्य संभावित प्रभावों के साथ इन कारकों ने टी रेक्स और कई अन्य प्रजातियों के विलुप्त होने में योगदान दिया। आपने देखा, समय की यह यात्रा हमें एक नई दुनिया के राज और रहस्यों में ले जाने का अनुभव दिया। डायनासोर्स की भविष्यवाणी और उनकी प्राचीन सच्चाई का पता लगाने का यह सफर हमें हमेशा याद रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब करें और हमारे साथ जुड़कर इन रोमांचक यात्राओं का लाभ उठाएं। धन्यवाद।